नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख माह महात्म्य की छठे अध्याय का पाठ। दोस्तों, इस पाठ में हम जानेंगे तुलसी दल भगवान श्री हरि की पूजा पाठ में इतना अधिक अनिवार्य क्यों है तथा इसके संबंध में तीन प्रेतों के उद्धार की कथा भी हम जानेंगे। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वैशाख माह महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। मैं भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में अपने शीस को नवाती हूँ तथा उनके चरणों की आभा को मैं महसूस करती हूँ, जिनके शरीर की आभा से संपूर्ण त्रिलोकी जगत सुशोभित हो रहा है। उन जगत के पालनहार श्री विष्णु की मैं आराधना करती हूँ तथा उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज, वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित होकर के पुरुष भगवान माधव का पूजन भला किस प्रकार से करे, इसकी सही विधियां क्या हैं, कृपया कर आप उन विधियों का वर्णन करें। इस पर धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, पत्तों की जितनी भी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ स्थल हैं तथा जितने भी पवित्र नदियां हैं, जो कि गंगा तथा वासुदेव आदि जो भी देवता हैं, वो सब भी तुलसी दल में ही आश्रय प्राप्त करते हैं अर्थात निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का पुष्प को छोड़ करके तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक श्री हरि अर्थात माधव की पूजा उपासना करें। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में मैं भी सामर्थ्य नहीं रखता। स्नान किए बिना ही देव कार्य हेतु या फिर पितृ कार्य हेतु तुलसी का पत्ता जो भी तोड़ता है उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से ही शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे रोगों को तत्काल ही हर लेती है, उसी प्रकार से तुलसी दुख दरिद्रता आदि सभी पीड़ाओं जैसी संबंधित चीज़ों को तथा पापों को भी शीघ्र ही दूर करती है, उनका हरण करती है। तुलसी काले रंग के पत्ते वाली हो अथवा हरे रंग के पत्ते वाली, उसके द्वारा श्री मधुसूदन की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान भक्त नर से नारायण हो जाता है, जो संपूर्ण वैशाख तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल के द्वारा मधुहंता भगवान श्री हरि की उपासना करता है। कहते हैं उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता अर्थात जन्म मरण के इस चक्र भी उससे मुक्त हो जाता है। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान गेहूं चावल अथवा जौ के द्वारा भी भगवान श्री हरि की आप पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। बिना प्रदक्षिणा के भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसके बाद देवताओं मनुष्यों पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता का नाश होता है। कालकर्णी एक तरह का रोग है, दुःस्वप्न दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है यदि आप पीपल में जल डालते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य पीपल के पेड़ की नित्य पूजा अर्चना करता है, मानो उसने अपने पितरों को तृप्त कर लिया हो, भगवान विष्णु की आराधना कर ली हो तथा संपूर्ण ग्रहों का पूजन हो जाता है पीपल की पूजा करने से। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष को सींचना चाहिए।
तथा श्री गोविंद की आराधना करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति को नहीं पाता है। जो इन सभी कुछों को करने में अपने आप को समर्थ पाता हो, वह स्त्री या पुरुष, यदि ऊपर जितने मैंने भी नियमों के बारे में बतलाया है, उन नियमों से युक्त होकर के वैसाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा इन तीनों दिन भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक स्नान प्रातः काल करे तो सभी पातकों से मुक्त होकर के अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो मनुष्य वैसाख माह में प्रसन्नता के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातः काल 1 बार भी स्नान करके संयम और धैर्य तथा शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिला करके ब्राह्मणों को दान देता हो और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता हो तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इन उद्देश्य के साथ देवताओं और पितरों का तर्पण करता हूँ, उससे जीवन भर में कितने भी पाप क्यों ना किए हों तत्क्षण ही वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। जो वैसाख की पूर्णिमा को मटका, जल के घरे पकवान तथा स्वर्णमय दक्षिणा का दान करता है, उससे अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, उन्हीं फलों की प्राप्ति उसे होती है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ, जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। आओ उसे सुनते हैं। मध्य देश में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धन शर्मा था। उसमें पाप का अंश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन को गया हुआ था। वहाँ अद्भुत और अनोखी घटना उसने देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखलाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखते ही डर गया और भयभीत हो गया। उन प्रेतों के केस ऊपर की ओर उठे हुए थे तथा आँखें लाल हो रही थी, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धर्म शर्मा ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम लोग कौन हो और यह नार की अवस्था तुम्हें भला किस प्रकार से प्राप्त हुई है? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ तथा दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी अवश्य कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे अवश्य तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और संतुष्ट होंगे तथा तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है तथा उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। उनका नाम श्रवण करने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु आदि और अंत से रहित हैं तथा उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा को धारण कर रखा है। उन विष्णु की अविनाशी स्वरूप हैं, कमल के समान कोमल और सुशोभित नेत्र हैं तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से ही वे तीनों पिशाच संतुष्ट हो गए और पूरे शांत कर गए। उनका मन और भाव भी पवित्र हो गया, वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के इस प्रकार के कहे हुए वचन से उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई। ब्राह्मण के पूछने पर प्रेतों ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री विष्णु का नामों के श्रवण मात्र से ही हम इस समय एक दूसरे को ही दया भाव से प्राप्त हो गए हैं। हमारा तो भाव ही बदल गया, हम में दयालुता की भावना आई है। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही सभी पापों को दूर भगाता है
कल्याण से संयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार कराता है। हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है। इस दूसरे प्रेत का नाम विद्वेत है तथा तीसरा जो कि मैं हूँ और मेरा नाम अवशाक है। मैं इन तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम भी पड़ा कृतघ्न। हे विप्रवर, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक एक द्रोही मनुष्य था तथा सदा ही कृतघ्नता किया करता था। उसी पाप की वजह से इसे इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हुई है। अत्यंत ही पापी, धूर्त तथा गुरुर स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न का सेवन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विद्वेत हुआ है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर के नाम से विख्यात राजा था। गांव में 10,000 गांवों पर इनका अधिकार था। अत्यंत ही रोष, अहंकार तथा नास्तिकता स्वभाव के कारण प्रतिदिन प्रति समय गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन किया करता था। प्रतिदिन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान के बिना ही भोजन ग्रहण करता और ब्राह्मणों की नित्य निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग करके इस समय विद्वेत नामक प्रेत हुआ है। और वैशाख नाम का मैं तीसरा प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था तथा मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी। मैं वासपुर गांव में रहा करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से ना तो कभी स्नान किया, ना कहीं दान और हवन ही किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला मैंने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया। मैंने इस माह में ना तो मधुसूदन का पूजन ही किया, ना ही विद्वान पुरुषों को दान करके संतुष्टि प्रदान की। वैशाख माह की इसी भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल को देने वाली होती है, ना तो मैंने स्नान किया, ना ही दान, ना ही किसी भी प्रकार के शुभ कर्मों को ही किया है। पूजा तथा पुण्य के द्वारा किसी भी व्रत का पालन भी नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म ही निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत के रूप में प्राप्त होकर के सब ओर विचरता रहता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है, वह सब मैंने आपसे कह सुनाया है। अब आप हम लोगों को पाप से उद्धार करने का उपाय बताएं, क्योंकि आप तो विप्रवर हैं। हे ब्राह्मण, पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर कहे गए हैं। वे शरण में आए हुए महान से महान पापियों को भी नरक से तार लेते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थ स्थलों में स्नान करता है तथा केवल साधु सत्संगी पुरुषों का ही संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ होता है। अतः आप ही मेरा उद्धार कर दो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो कि धन शर्मा के नाम से विख्यात है। हे स्वामीन, तुम उसी के पास जाकर के ये संपूर्ण बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागीदार होता है। यमराज आके कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस प्रेत के इस प्रकार के वचन को सुनकर के धन शर्मा को अत्यधिक दुख हुआ। उसने यह जान लिया था कि ये मेरे पिता हैं जो कि नरक में अभी पड़े हैं
और पीड़ा को झेल रहे हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला, हे स्वामी, मैं ही गौतम का अर्थात आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम ना आया तो मेरा जीवन ही निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य को छोड़ करके अपने पिता का उद्धार नहीं कर सकता, वह अपने आप को पवित्र भी नहीं कर पाता है। जो इस लोक में तथा परलोक में अपने संतान के कर्तव्य को निभाता है, वही संतान या तनई माना जाता है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु बतलाए गए हैं, पहला पिता और दूसरा माता। इसमें भी पिता श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सर्वत्र बीज की प्रधानता को ही देखा जाता है। हे पिताजी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं और क्या ऐसा कार्य करूं जिससे आपको उन्नति की प्राप्ति हो और इस पीड़ा से मुक्ति हो। मैं धर्म का तत्व भी नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस पर प्रेत बोला, हे पुत्र, तुम घर जाओ और यमुना नदी में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से पांचवें दिन वैशाख माह की पूर्णिमा आने वाली है, जो सभी प्रकार के उत्तम गति को प्रदान करती है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित करके जल, जल का घड़ा, अन्न, फल का दान करो। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों को हजार वर्षों तक आनंद को देने वाला होता है। जो वैशाख माह की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को भोजन में खीर खिलाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घरों का दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को पीड़ाओं से तार लेता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति तथा श्रद्धा परायण होकर के स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव के स्वरूप की पूजा करो। उससे जो भी फल की प्राप्ति हो, वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़ करके मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, अतः इन दोनों के भी पाप को इस तरह से अंत हो जाएगा। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छा कहकर के वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी प्रकार से किया जैसा उसके पिता ने बतलाया था। वह प्रसन्नतापूर्वक परम भक्ति भाव के साथ वैशाख माह के स्नान और दान के नियमों का पालन करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा के आने पर उसने आनंदपूर्वक भक्ति से युक्त होकर के स्नान किया तथा बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्यों को प्रदान भी किया। उस पवित्र दान और संयोग से भी सभी आनंद मग्न होकर के विमान पर बैठ करके उसी क्षण स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा की श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता भी था। वह चीर काल तक उत्तम सुखों को भोग करके अंत में ब्रह्म लोक को प्रस्थान हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा अत्यंत ही पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र तथा कल्याण करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत ही विस्तृत है, एतव मैंने तुम्हें संक्षिप्त रूप से ही इसके महत्व को बतलाया है। जो वैशाख मास में प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान करके नियमों का पालन करता है, विशुद्ध चित्त होकर के भगवान मधुसूदन अर्थात केशव की पूजा करता है, वे पुरुष धन्य कहे गए हैं तथा वे ही पुण्य आत्मा है। वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी भी हैं। जो मनुष्य वैशाख में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो, भगवान लक्ष्मीपति की उपासना करता है, आराधना करता है, पूजन करता है, निश्चय ही उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रातःकाल उठ करके श्री विष्णु की पूजा के लिए पवित्र गंगा नदी में आस्था की जो डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सभी सही उपयोग किया है, यही समझना चाहिए। वे ही मनुष्यों में धन्य माने जाते हैं तथा पाप रहित होते हैं।
वैशाख मास में प्रातः काल नियम युक्त होकर के मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए अपने पग को आगे बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नामो विकीर्तन मात्र से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य को देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम, वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े और उग्र से उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे ब्राह्मण, तुम पर अनुग्रह होने के कारण यह प्रसंग मैंने तुम्हें बताया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्तिपूर्वक श्रवण करेगा वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यानी कि यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से तथा अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, यह 100% सत्य बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार लेता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख का माह अत्यंत ही प्रिय है। एतव इसे सभी मासों में श्रेष्ठ बतलाया गया है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, कल हम आगे की कथा जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से श्री हरि ने मनुष्य के कल्याणार्थ और कौन कौन से उपाय बतलाए हैं। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, रट लो नारायण नारायण हरे हरे, हरे हरे जप लो नारायण नारायण हरे।